हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आपके एग्जाम्स में काफी बार आता है, मतलब हर एग्जाम्स में एक टॉपिक मोस्टली पूछा जाता है। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम बिल्कुल शुरुआत से एंड तक बिल्कुल 15 मिनट के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर एक नया शेड्यूल स्टार्ट किया है। 15 मिनट्स के अंदर मैं आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगी कि डायरेक्शन में कौन कौन सवाल आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। तो आप नए आज पहली बार देख रहे हैं, हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा प्रियल मैम रीजनिंग को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक, डायरेक्शन। अब देखिए, पूरा डायरेक्शन हम एक ही नजर में देखेंगे, सिर्फ जो बोर्ड पर लिखा हुआ है केवल वही है पूरा डायरेक्शन का निचोड़, पूरे डायरेक्शन में छोड़ केवल यही जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो क्या है, एक नजर में हम पूरा डायरेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। आज मैं लेके आया आपके सामने टाइप वन डायरेक्शन का। डायरेक्शन में पहला टाइप का सवाल जो आता है वो आता है रोटेशन पे, एंगल बेस्ड, या बोल दीजिए एंगल बेस्ड सवाल आता है। तो उसको समझने से पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, डायरेक्शन को समझने से पहले हमें ये चीज आनी चाहिए। क्या चीज है कि हमेशा अगर आप कोई भी दिशा में बैठे हो, हमेशा हमें उत्तर ऊपर की ओर मानना है, ये दक्षिण नीचे की ओर मानना है, ये हमेशा पूरब होगा, ये हमारा पश्चिम होगा। हमेशा आप लोग कैसे भी बैठे हो, चाहे सीधा मुंह के बैठ जाओ, उल्टे बैठ जाओ, चाहे उल्टे पैर ऊपर हाथ नीचे कर लो, लेकिन डायरेक्शन की हमेशा यही रहेगा, ऊपर हमेशा उत्तर, नीचे हमेशा दक्षिण, इधर हमेशा पूरब, इधर हमेशा पश्चिम। फिक्स रहेगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डायरेक्शन का टॉपिक। ओके, पहले चीज तो आपकी ये थी। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, सबको पता है, ये आपका साउथ और ये ईस्ट है, तो ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ और वेस्ट है तो ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट और नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुल 6 डायरेक्शंस है जो हमें पता होनी चाहिए। सब समझ में आ गई। अब बात करते हैं एंगल की, इनके बीच का एंगल क्या होता है। जो मेन डायरेक्शन जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट, इनके बीच में 90 का एंगल होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बीच भी 90 का होता है, इन दोनों के बीच 90 का होता है, लेकिन अगर ये आ जाए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इसके बीच में 45 का होता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट 45 का होता है, इसका बीच 40, मतलब ये जो लाइन बीच में खींची है वो एग्जैक्टली 90 के बीच की लाइन है, 45 डिग्री पर लाइन खींचती है। तो ये जो लाइन खींचती है इसका एंगल क्या बनता है, 45 बनेगा, और इन दोनों का हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात थी, मेन बात यही थी डायरेक्शन के रोटेशन टॉपिक के लिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया, लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, छोटी चीज है, पर यही पूरे डायरेक्शन का खेल यही बिगाड़ देती है आपको। अब शुरुआत करते हैं अपने सवाल की। आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा क्या कि अभी किसी बंदे का मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, अभी किसी बंदे का मुंह, ये लड़का है कि लड़की मान लीजिए, उसका मुंह ईस्ट की तरफ है, पहले वो घूमे 45 डिग्री, CW का मतलब क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में लिखा हुआ है, CW का मतलब क्या हुआ, घड़ी की दिशा में घूम गई वो, फिर 90 डिग्री वापस से घूमी, फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमी, फिर 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, इतना घूमने के बाद अब वो किस दिशा में, ये आपको बताना है। तो ये बहुत कॉमन सवाल है, आपके एग्जाम में आता है, तो काफी बच्चों करने का तरीका बहुत अलग अलग है। इसको हटाई दू मैं कुछ देर के लिए, इसको हटाई दू, सॉल्व हम यहीं पे करेंगे। इस सवाल को करने का बहुत आसान तरीका है, अब हम समझते हैं। आप लोग डायग्राम बना के घुमाओगे, पर हमें घुमाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायग्राम बना के नहीं घुमाएंगे। हमें याद क्या रखना है, CW का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको हम नेगेटिव मानेंगे। शुरुआत करते हैं, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक का मतलब प्लस, प्लस का 45, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लस का 90 डिग्री, 180 एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का 180, और 35 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लस का 135। प्लस करो 90, 45 और ये कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, 5, 10, 4, 7, यहाँ इनको प्लस करके 180 हो गया, 180 प्लस का 90 माइनस का 180 कट गया, बचा कितना, प्लस का 90 डिग्री। इस प्लस के 90 डिग्री का मतलब समझना आप, इस प्लस के 90 डिग्री का मतलब समझिएगा बहुत ध्यान से, इसका बहुत बड़ा खेल है। प्लस का 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, इसका जो प्लस शो कर रहा है कि हमें कहाँ घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। प्लस का मतलब क्या था, क्लॉकवाइज, तो हमें घूमना कहाँ है, क्लॉकवाइज घूमना है, कितना घूमना है, 90 डिग्री घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। अब घूमना कैसे ये भी देख लो, अभी मुंह कहाँ है इसका, ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब देखो अभी कहाँ है मेरा मुंह, ईस्ट की तरफ है, अब मैं घूमूंगी 90 डिग्री घड़ी दिशा में, मतलब 90 डिग्री घूम गई, कहाँ हो जाएगा मेरा मुंह, अब
वेस्ट की तरफ हो जाएगा और यही मेरा सही आंसर है। तो यहाँ पे केवल आपको दो बात याद देखनी है, क्या चीज, पहली बात क्या है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना है, घड़ी दिशा को पॉजिटिव मानना है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा को नेगेटिव मानना है, इस टाइप से करना है। फिर जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें पॉजिटिव का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब हमें घूमना कहाँ पे, घड़ी की दिशा में घूमना है, और 90 डिग्री का मतलब कितना घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। डायग्राम बनाओ, आंसर निकालो, क्लियर हो गया, चुटके का काम था ये। ठीक है, पहला सवाल समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन हटा देते हो, फर्स्ट क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब पहला सवाल समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखिए, अब दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़िएगा सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट देन साउथ बिकम्स, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो दक्षिण क्या हो जाएगा, समझ में आया, क्या है, साउथ ईस्ट अगर क्या हो जाए, साउथ वेस्ट हो जाए तो साउथ क्या कहलाएगा। कुछ नहीं, बहुत आसान है, केवल घुमाने का तरीका है। डायग्राम बनाओ, पहले तो डायग्राम बनाया, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। अब समझना सवाल को, क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया, मतलब साउथ ईस्ट पे थे, साउथ वेस्ट हो गया, कितना घूम गए, प्लस का 90 डिग्री घूमा हमने, प्लस का मतलब घड़ी की दिशा में, 90 का मतलब 90 डिग्री, 45 ये 45 ये। अब बताने साउथ क्या हो जाएगा, तो साउथ को भी 90 घुमा दो, साउथ का 90 घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट की तरफ, तो साउथ क्या हो गया, वेस्ट हो गया, सिंपल, ये आपका आंसर हो गया, साउथ क्या हो गया, आपका वेस्ट हो गया, यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। समझ में आया आपको, क्लियर था, कितना आसान सवाल था, केवल दिखने में इतना बड़ा लग रहा था, कुछ नहीं करना, जितना बोला जाए उतना करोगे, आसान से जल्दी जल्दी सवाल निकल के आएगा आपका, जल्दी से जल्दी सवाल निकलेगा, क्लियर हो गया, दो सवाल समझ में आ गया। तो ये था आपका टाइप 2, दूसरे टाइप का सवाल जो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, ये अगला टाइप का सवाल था। एक और सवाल है जो आपसे पूछा जाता है, वो देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप का सवाल। अगले टाइप का सवाल जो आपसे मेनली पूछा जाता है रोटेशन के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, वो है आपका ये रहा। अगला सवाल देखिए, यदि 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। इफ एट 3 o'clock, जब 3 बज रहे हैं घड़ी के अंदर, उस समय क्या है, मिनट हैंड कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो हमें बताना है आवर हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगी। अब देखो, पहले बजाते 3 बजाते, पहले 3 बजाते हैं, 12, 13, 6, 9, 11, 3 बजे का मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ 3 बजे का, छोटी सुई इधर है, ये रहा, ये तो हो गया मिनट हैंड, ये हो गई आवर हैंड। अब हम इधर बनाते डायग्राम, ये वाला, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे। अब देखिएगा, हमसे बोला जा रहा है जो मिनट की सुई है, क्या है, मिनट की सुई मतलब ये वाली सुई, ये कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब अभी कहां है, ये नॉर्थ की तरफ है, अभी तो ये ऐसे है, पर बोल रहा है ये ऐसे नहीं, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कितना घूमी हुई है, ये प्लस का 45 घूमी हुई है, कितना घूमी हुई है, प्लस का 45। वैसे तो वो सीधे यहाँ पे है, पर हमसे बोला यहाँ नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है, इधर है, कितना घूम गई, प्लस का 45। तो आवर हैंड कहाँ होगी, तो आवर हैंड इस समय कहाँ है, इस दिशा में है, इस समय कहाँ है, और यही दिशा है इसकी, ईस्ट वाली यही है, इसको भी 45 घुमा दो, प्लस का 45 कहाँ हो जाएगी, साउथ ईस्ट में हो जाएगी, किधर हो जाएगी, साउथ ईस्ट में हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना होता डायरेक्शन वाले सवाल में, रोटेशन वाले सवाल में, केवल जितना बोला जाए घुमाओ, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और कितना घुमाना है आपको पता होना चाहिए, कितना घुमाना है, सिंपल घुमा दो, आंसर आपके सामने। तो ये था आपका रोटेशन, देखो कितने कम टाइम में, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे पूरे सवाल को देखने में, 15 मिनट्स भी लगे नहीं इस टॉपिक को समझने में, इतने कम टाइम में हमने एक नया टॉपिक समझ लिया, रोटेशन, डायरेक्शन का एक पार्ट होता है रोटेशन, इससे आपका एक सवाल बनता है, एक सवाल बनेगा एंगल बेस्ड, जो आपको यहाँ से आपका आसानी से निकल सकता है। अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है, कुछ अच्छी बात सीखी है, तो आप फटाफट से इस चैनल को प्रियल मैम रीजनिंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे नए जुड़े हैं, आज पहली बार हमारा वीडियो देखे, वो लोग जरूर जरूर और जरूर इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि मात्र 10 मिनट के अंदर हमने एक नया टॉपिक सीख लिया। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, कल वापस से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, टेक केयर, बाय बाय।